संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि नाग महाशय अपने परिचित सुरेश चंद्र दत्त के साथ में दोनों श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए पहुंच गए दक्षिणेश्वर। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात प्रताप चंद्र हाजरा से हुई और प्रताप चंद्र हाजरा तो बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल और अजीब व्यक्ति थे, यानी श्री रामकृष्ण देव की लीला में ये जटिला कुटिला जैसे कैरेक्टर होते ही हैं भगवान की लीला में, जिसके कारण वह लीला पुष्टि होती है। यानी तो उसी तरह प्रताप चंद्र भी एक निगेटिव भूमिका श्री रामकृष्ण लीला में हम देखते हैं पालन करते थे। तो प्रताप चंद्र हाजरा ने बड़े झूठा बोल दिया कि श्री रामकृष्ण देव जो हैं वो चंदन नगर गए हैं इत्यादि, और आने में देरी होगी। बहुत देर तक ये तो बैठे रहे, लेकिन फिर वापस ही जाने वाले थे, उतने में उन्होंने देखा कि कमरे से कोई उन्हें बुला रहा है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव खुद उनको इशारा करके बुला रहे थे। यहाँ तक हमने पिछले जितने भी दुर्गाचरण नाग को लेकर जो चिंतन किया है यहाँ तक किया है। तो ठाकुर श्री श्री ठाकुर ने दुर्गाचरण नाग और सुरेश का बड़े आनंद से स्वागत भी किया, और उसको उपदेश देते हुए ये ठाकुर ने विशेष रूप से कहा कि एक प्रकार की मछली होती है और वह मछली कीचड़ में तो रहती है, लेकिन उसकी कांति इतनी चमकीली और उस वह ऐसे प्रकार की उसकी त्वचा होती है कि वह कीचड़ उस मछली के शरीर को स्पर्श नहीं करता। वह मछली हमेशा कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से सनी हुई नहीं रहती। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यह उदाहरण नाग महाशय को देते हैं इसलिए कि जैसे ठाकुर जानते थे कि दुर्गाचरण नाग को अभी और कुछ दिन के लिए ही सही या सारी ज़िंदगी ही सही उनको संसार में ही रहना है, लेकिन संसार में किस तरह रहना चाहिए, जैसे वह मछली कीचड़ में रहती है लेकिन कीचड़ से नहीं सनती, उस वह कीचड़ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको गंदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से इस संसार में अनासक्ति भाव धारण करते हुए रहना है। सांसारिक बातें सांसारिक विचार जिसका प्रभाव हमारे मन पर न आए, क्योंकि अगर हमारे मन में सांसारिक विषयों का चिंतन चालू हो जाएगा उससे ही तो हमारे अंतःकरण में उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और फाइनली विषय चिंतन करते करते विषयों के प्रति आकर्षण और अंत में विषय प्राप्ति के लिए प्रयास, ये सभी बातें एक श्रृंखला में होने की संभावना रहती है। श्री रामकृष्ण देव इन सभी से सावधान रहने के लिए जैसे इस मछली का उदाहरण देकर नाग महाशय को और सुरेश को कहते हैं, उसके बाद वे कहते हैं कि जाओ पंचमिटी में जाकर ध्यान करो और मंदिर वगैरह सब देखो। और जब वे लोग निकलने विदाई लेने के लिए ठाकुर के पास अनुमति चाहने लगे तो ठाकुर ने कहा फिर आना। और यह ठाकुर की अपनी एक विशेष पद्धति है कि उनके कृपा के जो अधिकारी होते हैं अक्सर हम देखते हैं, अगर आप कथामृत भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये पाएंगे कि जिन पर कृपा होती है उनको ही अक्सर ठाकुर फिर आना ऐसा कहते भी हैं, और उस व्यक्ति के अंतकरण में श्री श्री ठाकुर उनका व्यक्तिमत्व और उनकी आध्यात्मिक बातें इस कदर प्रभाव छोड़ती हैं,
फलस्वरूप वह व्यक्ति भी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए बड़ा इच्छुक हो जाता है। तो नाग महाशय भी आनंद से भरपूर होकर ही जैसे दक्षिणेश्वर से उस दिन अपने घर लौट गए, और एक सप्ताह के बाद फिर दोनों अर्थात सुरेश चंद्र और नाग महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास आए। तो जब श्री रामकृष्ण देव के पास आए तो नाग महाशय की भक्ति भाव की इतनी वैसे भी उच्च अवस्था ही थी कि जैसे ही नाग महाशय आए और उनकी वह भक्ति भाव से भरी हुई मूर्ति यानी व्यक्तिमत्व देखकर श्री श्री ठाकुर को ही एक प्रकार से दिव्य भावावेश हो गया, और उस दिव्य भावावेश में ही श्री ठाकुर ने कहा आप आ गए, बहुत अच्छा किया। और फिर ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ बहुत दिन से इंतज़ार में बैठा हूँ। और फिर नाग महाशय को श्री श्री ठाकुर ने अपने पास बुलाकर पास में बैठने के लिए कहा और कहा कि डरना नहीं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत अच्छी अवस्था है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम इस भाव को ही पकड़ कर रहो। और फिर श्री रामकृष्ण देव सुरेश चंद्र से कहने लगे कि देखो तुम्हारे मित्र की कैसी अवस्था, उच्च अवस्था है, एक तरह से धगधगता जो अग्नि होता है जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जलता रहता है, तो ठीक यह अवस्था नाग महाशय की है, ऐसा श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जैसे वह धगधगता हुआ जो अग्नि होता है, तो उसी तरह से नाग महाशय ईश्वर चिंतन करते करते ईश्वर की बोध में इस रूप से डूब गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि अब उनके अंतःकरण में जैसे ईश्वर को छोड़कर और कोई व्यावहारिक चिंतन ही नहीं था। ईश्वरीय भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास, इन सभी को लेकर जैसे नाग महाशय अपना संपूर्ण समय बिता रहे थे। यानी सर्वसाधारण हमारे जैसे जीव जो होते हैं, हम देखते हैं कि दिन के 24 घंटे और 24 घंटे में हम जब ध्यान या ईश्वर चिंतन कितना करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि मुश्किल से घंटा दो घंटा शायद हम भगवान के चिंतन में रहते हैं और बाकी 22 घंटे हम इस दुनियादारी को लेकर ही रहते हैं। तो ठीक इसकी विपरीत उल्टी अवस्था नाग महाशय की थी। एक तरह से वे 24 आवर्स ना ही सही, लेकिन अधिकतर समय वे ईश्वरीय भाव में, ईश्वरीय चिंतन में ही रहते थे, और थोड़ी देर के लिए ही जैसे उनको इस जगत का और व्यावहारिक बातों का होश रहा करता था। कुछ दिन जाने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए नाग महाशय से यह सवाल पूछा कि मेरे बारे में, अर्थात अपने शरीर को दिखाकर, ठाकुर तो कभी अहम बोध से प्रेरित होकर मेरा मेरा ऐसा नहीं करते थे। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से मूल जो हमारा प्रॉब्लम जो है, मैं और मेरा शरीर और मेरा सुख, ये ममता मैं और ममता अहम, मम भाव, इसको लेकर ही तो हमारी समस्या है। श्री रामकृष्ण देव कभी भी अहम बोध को लेकर नहीं जीते थे। निरहंकारिता, जिसको इफेसमेंट ऑफ ईगो कहते हैं, इफेसमेंट ऑफ ईगो, उनको देह बोध भी प्रबल नहीं रहता था ठाकुर का, और उनका अहंकार कि मैं गदाधर चट्टोपाध्याय हूँ, मेरा जन्म कामार पुकुर में हुआ है, मैं अब कालीबाड़ी दक्षिणेश्वर में निवास कर रहा हूँ, यह मैं
यह बोध भी ठाकुर के जीवन में एक तरह से प्रबल नहीं रहा करता था और वे हमेशा मैं जगदम्बा का दास हूँ, मैं जगदम्बा का पुत्र हूँ, इस वात्सल्य बोध में ही, ईश्वरीय बोध में ही रहते थे। और जब भी कभी अपने बारे में बोलने की अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो अक्सर अपना शरीर दिखाकर यहाँ का, यहाँ से, इसके लिए, इस प्रकार वे इशारा करके ही अपने बारे में बोला करते थे। तो उसी ढंग से ठाकुर ने नाग महाशय से पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा मत क्या है। तो नाग महाशय ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही सुंदर हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, आपके कृपा से ही मैं यह समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और मैं जानता हूँ कि आप साक्षात नारायण हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है एक तरह से कि हम देखते हैं, वैसे यह सवाल जवाब, यह संवाद होने के पहले जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो ऐसी बहुत सी मुलाकात नाग महाशय और ठाकुर की हो गई है ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन इतने शीघ्र नाग महाशय इस बात को समझ पाए हैं कि श्री राम कृष्ण साक्षात नारायण है, भगवान है। श्री राम कृष्ण देव के प्रथम दर्शन के बाद ही कुछ महीनों के बाद दुर्गाचरण नाग जी ने, जो वे डॉक्टरी किया करते थे, वैद्यकी किया करते थे, वह छोड़ दे। उनके पिता जो नौकरी करते थे उसी नौकरी को लेकर नाग महाशय भी रहते थे, लेकिन अभी वे ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान धारणा करने में ही बिताया करते थे। संसार त्याग करने की उनको प्रबल इच्छा भी होने लगी और उसी हेतु से एक दिन वे ठाकुर के दर्शन के लिए चले गए और वहाँ जाते ही उन्होंने, उनको देखते ही श्री श्री रामकृष्ण देव को भावावस्था प्राप्त हो गई और उस उच्च भावावस्था में ही स्थिर रहते हुए श्री रामकृष्ण नाग महाशय को एक तरह से लक्ष्य करके कहने लगे कि संन्यास आश्रम में, सॉरी फिर से मेरे द्वारा गलती हुई, आई एम सॉरी, संन्यास नहीं, संसार आश्रम में क्या दोष है। श्री रामकृष्ण नाग महाशय को ही उद्देश्य करके कहने लगे कि अरे जरा कहो तो, संसार आश्रम में क्या दोष है, ईश्वर के चरणों में अगर सदा मन हमारा बना रहे तो गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है। मूल तो बात यही होती है कि हमारा मन ईश्वर के चरणों में संलग्न है, जुड़ा हुआ है या नहीं। और फिर ठाकुर कहने लगे कि जैसे किले में रहकर युद्ध करना बड़ा आसान हो जाता है, सहूलियत मिल जाती है, एक प्रकार का सुरक्षा का एहसास रहता है, तो उसी तरह प्रपंच में रहकर मन ईश्वर के चरणों में रखना ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दुर्गाचरण नाग को लक्ष्य करके श्री श्री ठाकुर कहने लगे कि तुम्हारा ये जो जीवन है वह गृहस्थाश्रमियों को कैसे रहना चाहिए, इसका एक आदर्श स्वरूप उदाहरण होने वाला है। तुम्हारा जो जीवन है, तुम गृही हो, तुम्हारी शादी ब्याह हो गया है, तो एक गृहस्थाश्रमी को ईश्वर को लेकर किस प्रकार एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, या गृहस्थाश्रमी रहते हुए भी ईश्वर के चरणों में मन जोड़कर रखना किस प्रकार से संभव होता है, हो सकता है, इसका जैसे एक उदाहरण तुम्हारे द्वारा
वह आदर्श तुम्हारे द्वारा जगत के सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसे यह नाग महाशय की विशेष भूमिका है, हम देख चुके हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव के ये जो सभी गृही शिष्य हैं वे बाह्यतः जब तक श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में नहीं आए थे, जब तक श्री श्री ठाकुर से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तब तक तो शायद वे एक तरह से संदेहग्रस्त नज़र आते हैं, सांसारिक बातों में उलझे नज़र आते हैं, काम क्रोधादि षड्रिपुओं से सताए हुए नज़र आते हैं। लेकिन श्री श्री ठाकुर के संपर्क में आने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, उनके मन में श्री श्री ठाकुर के दर्शन के प्रति एक प्रबल आकर्षण और श्री श्री ठाकुर की आध्यात्मिक बातों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू करना, और उसी के साथ साथ ईश्वर है और उसका दर्शन प्राप्त हो सकता है, और ईश्वर दर्शन प्राप्त करना यही मनुष्य जन्म का मूल हेतु है। इन सभी को लेकर श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने वाले लगभग सभी के अंतःकरण में इस बात को लेकर एक दृढ़ विश्वास जागृत हो जाया करता था। तो दुर्गाचरण नाग के जीवन में भी हम यह देखते हैं कि ठाकुर ने दुर्गाचरण नाग को या नाग महाशय को उद्देश्य करके जब यह कहा कि देखो प्रपंच में रहकर भी ईश्वर को पकड़कर जीवन यापन करना ही साधारण गृहस्थाश्रम का यह मर्म है, और तुमको देखकर ही साधारण गृही लोग एक आदर्श को प्राप्त कर लेंगे। तो ठाकुर के श्रीमुख से यह बात जब निकली तो नाग महाशय उसको गुरु के आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए उसका पालन करने लगे। देखिए आध्यात्मिक जीवन में यह एक प्रधान बात मानी जाती है कि गुरु के द्वारा दिए गए आदर्श को या आज्ञा को ठीक ढंग से पालन करना, गुरु की जो आज्ञा होगी उसका बड़ी निष्ठा के साथ पालन करना। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि संसार त्याग की इच्छा लेकर नाग महाशय ठाकुर के पास पहुँचे हैं, और वैसे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं कि संसार त्यागने की अवस्था या उस तरह उनकी मन की अवस्था नाग महाशय की निश्चित थी, यानी अगर वे संसार छोड़ भी देते तो एक तरह से वास्तविक ही संसार के प्रति नाग महाशय के अंतःकरण में लेश मात्र बिंदु मात्र कोई आकर्षण भी नहीं था, और जिस प्रकार से वे अपना दैनंदिन जीवन जी रहे थे उसको अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से वह भगवत चिंतन में ही डूबे रहते हुए नज़र आते हैं। तो एक तरह से संसार त्याग की जो अधिकार कहीं है या जिस तरह का मन होना चाहिए, वह मन तो पहले ही जैसे नाग महाशय के अंतःकरण में छाया हुआ था, उनका मन उसी प्रकार से जैसे तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी ठाकुर ने उनको संसार त्यागने की अनुमति प्रदान नहीं की, उल्टा उनको यह कहा कि तुमको देखकर गृहस्थाश्रम कैसा ईश्वरीय बोध से भरपूर होता है यह जगत के सामने आ जाएगा। एक ऐसा वचन है कि जो खुद को सहायता करना करता है या खुद को उन्नत करने का जो प्रयास करता है ईश्वर भी उसकी सहायता जरूर करते हैं। यह सब बातें
जरूर ठीक ही हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चिंतन करें तो, यह गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य खुद को अपने आप को कितना सहायक कर सकता है। सत्य तो यही है, सर्वसाधारण जीव की कहानी अगर हम ध्यान में लाते हैं तो खुद के द्वारा हम थोड़ा बहुत प्रयत्न आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से करने में सक्षम जरूर होते हैं, या वह क्षमता हम में किसी हद तक जरूर होती है, लेकिन अगर हम बड़े ही आंतरिकता से ईश्वर को शरणागत होकर कि हे प्रभु, आज तो मेरे द्वारा साधन भजन हो रहा है, लेकिन भविष्य में और कितनी बाधाएं आने वाली है, मेरे जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना मुझे करने की नौबत आने वाली है, यह सब तो मैं नहीं जानता। हम कितना भी भविष्य को लेकर सचेतन हो जाएं, लेकिन संपूर्ण रूप से कैसी फेवरेबल सिचुएशन आएगी या अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी, इसके बारे में ठोस रूप से हम निश्चित रूप से सामान्य जीव को कुछ कहना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी शक्ति को जानते हुए, क्षमता को पहचानते हुए अगर साधक निष्ठा से साधन भजन में प्रस्तुत हो जाता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे थोड़ी सी ही क्षमता क्यों न हो, लेकिन उस क्षमता को ठीक ठीक उसकी उपयोगिता ध्यान में रखकर अगर हम साधन भजन के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और नियमित रूप से साधन भजन के लिए उतावले हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, साधन भजन करते हैं, तो भगवान भी उचित सहायता करती ही हैं। बहुतांश आस्तिक धर्म जो हैं, अर्थात ईश्वर को मानने वाले, तो प्रथम अवस्था में वे निश्चित स्वप्रयत्नों को एक महत्व बुद्धि उसके प्रति रखते हैं। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में तो हम अनुभवी नहीं होते, और मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं संयमित जीवन यापन करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, अर्थात ये देहबोध, ये मैं प्रथम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो प्रबल रहता ही है, और प्रारंभिक अवस्था में इसीलिए ऐसा लगता है कि साधक स्वप्रयत्नों को कुछ महत्व देता सा नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे जब निष्ठा के साथ साधक आगे बढ़ता है तो यह स्वप्रयत्न का बोध धीरे धीरे जैसे लुप्त हो जाता है और साधक के अंतकरण में आत्म शरणागति की भावना उज्ज्वल होने लगती है, सक्रिय होती नज़र आती है, और इस प्रगत अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद ही साधक को एक प्रकार से संपूर्ण रूप से यह समझ में आता है, उसके बोध में, उसकी चेतना में यह बात एकदम से जैसे बैठ जाती है। संस्कृत भाषा में एक शब्द है धृति, अर्थात धारण करना, यानी अगर बात सिर्फ बौद्धिक स्तर पर रहती है तो कभी कभार हमारी बुद्धि हमको सही दिशा में भी ले जा सकती है, और अगर कभी कभी अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए या कोई बहुत ही मेधावी कोई लोग आ जाए और जो अपना भाव दृढ़ता के साथ लॉजिकली बोलना शुरू करें, तो कभी कभी हमारी बुद्धि दूसरे के विचारों से प्रभावित हो जाने की संभावना हम नकार नहीं सकते,
लेकिन ठाकुर के शब्द हैं ओरिजिनली, श्री श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, बोधे बोधे बोध होआ, यानी जब हमारे अंतकरण में इस प्रकार से बोध हो जाता है, हमें एक प्रकार का इस प्रकार से साक्षात्कार हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर ये बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ और आज के इस प्रवचन को मैं समाप्त करूँगा। उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिसने न गाय देखी है और जिसने न कभी ज़िंदगी में दूध देखा है, उसको गाय के बारे में भी कोई खबर नहीं है और उसको दूध के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई एक आदमी मिल जाता है और वह आदमी बातों ही बातों में इस अज्ञानी व्यक्ति को कहता है कि अरे तुमको पता नहीं गाय, और तुमको पता नहीं दूध कैसे होता है, अरे गाय सफ़ेद रंग की होती हैं, गाय को चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और गाय दूध देती हैं और दूध बड़ा ही पौष्टिक होता है। इस तरह से एक व्यक्ति इस अज्ञानी मनुष्य को कुछ गाय के बारे में बोलकर चला जाता है। तो यह जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उसको अब गाय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो गई या नहीं, तो निश्चित रूप से गाय के बारे में उसको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन यह जानकारी है सिर्फ, यह क्या है, इन्फॉर्मेशन है। स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा सुंदर वचन है जिसका मैं भावार्थ आपको बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं, वर्बेटिम शब्दशः मैं स्वामी जी का वचन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका भाव ऐसा है कि साइंस इन्फॉर्म्स, रिलीजन रिफॉर्म्स। ध्यान दीजिए ठीक ठीक से, साइंस इन्फॉर्म्स अर्थात विज्ञान जो है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जुटाता है या प्रदान करता है, साइंस इन्फॉर्म्स, और रिलीजन रिफॉर्म्स। धर्म क्या करता है, मनुष्य को अनुभूति की ओर ले जाता है। तो जैसा मैंने अभी गाय का और उस अज्ञानी आदमी का उदाहरण दिया, तो अज्ञानी आदमी को अब वह अज्ञानी नहीं रहा, क्योंकि उसको पता हो गया है कि गाय सफ़ेद रंग की होती है, गाय को चार पैर होते हैं, पूंछ होती हैं, स्तन होते हैं और गाय दूध देती है, दूध बड़ा ही पौष्टिक होता है। तो बुद्धि में बात तो आ गई इस व्यक्ति के, इसलिए वह क्या हो गया, जानकार आदमी तो हो गया, लेकिन उसकी जानकारी क्या पूरी है या अधूरी है, क्योंकि उसने न अभी गाय देखी है न दूध देखा है। तो कुछ दिनों के बाद दूसरा एक व्यक्ति, उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और फिर ये जो दूसरा व्यक्ति है ये जरा मिस्चीवस है, हाँ बहुत जरा मिस्चीवस हैं, तो वह इस व्यक्ति को कहता है कि अरे तुम गाय के बारे में जो जानते हो वह सब ठीक ही हैं, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, और अधिक ज्ञान देता हूँ और अधिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि काली गाय काला दूध देती है और लाल गाय या ब्रिक कलर की जो गाय होती है वह लाल दूध देती है, सफ़ेद गाय सफ़ेद दूध देती है। ये आदमी बड़ा ही मिस्चीवस है, तो इस तरह से वह इन्फॉर्मेशन देकर इस आदमी को चला जाता है। तो ये जो आदमी है अब इसके मन में संशय जागृत हो गया कि नहीं, बात तो बुद्धि के स्तर पर ही है, उसने तो अभी गाय को देखा भी नहीं है न गाय का दूध देखा है, और इसलिए वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, सोचता है कि अच्छा ये तो नई बात मुझे पता हो गई, काली गाय काला दूध देती है और सफ़ेद गाय सफ़ेद दूध देती है। तो तीसरी एक व्यक्ति आ जाती है, तीसरी व्यक्ति आती है बातचीत के दौरान
जब उस तीसरी व्यक्ति को यह पता चलता है कि यह जो आदमी है ये ठीक ठीक बात को जानता नहीं, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानता है, और मैं अगर और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो वह भी यह निश्चित रूप से याद रखेगा, उसके स्मरण में रहेगा। तो मैं इसको गाय के बारे में कुछ और बताऊँ तो वह भी ये ग्रहण ही कर लेगा, और यह जो तीसरा व्यक्ति है ये बहुत अच्छा है। तो यह व्यक्ति क्या करता है, उस आदमी को कहता है कि चलो मेरे साथ। तो बोले कहाँ, तो बोले अभी तुमने मुझे जो कहा ना कि गाय सफ़ेद रंग की होती है, उसको चार पैर होते हैं, उसको पूँछ होती हैं, वह दूध देती हैं, फिर उसके बाद में तुमने मुझे कहा कि हाँ मुझे पता है काली गाय काला दूध देती है इत्यादि, तो मैं तुमको आज पहले गाय दिखा देता हूँ। और इस तरह से यह तीसरा व्यक्ति जो है वह इस एक तरह से अभी अज्ञानी आदमी को ही गौशाला ले जाता है, वहाँ सो मेनी काउज वहाँ होती हैं, तो सफ़ेद गाय दिखाता है, तपकीर रंग की गाय दिखाता है, काले रंग की गाय दिखाता है, काला और सफ़ेद दोनों रंग का मिश्रण जिसकी स्किन पे है ऐसी गाय दिखाता है। तो वेराइटीज़ कलर्स की काउज वह इस व्यक्ति को दिखाता है, और प्रत्येक गाय का दूध दोहने के बाद वह इस व्यक्ति को दिखा देता है कि देखो भाई गाय का कलर कोई भी हो, गाय का रंग कोई भी हो, लेकिन हर गाय जो दूध देती है वह सफ़ेद ही होता है। तो जब प्रत्यक्ष यह व्यक्ति गाय को भी देखता है, दूध को भी देखता है, और दूध पीने के बाद उसका स्वाद भी उसको पता हो जाता है, और कुछ दिन नियमित रूप से दूध सेवन करने के बाद जब वह अपने शरीर में बल प्राप्त कर लेता है, ठीक यही बात ये जो यहाँ श्री श्री ठाकुर का हम उदाहरण देख रहे हैं कि दुर्गाचरण नाग महाशय के जीवन और उसके आधार से जैसे श्री श्री ठाकुर ने हमारे सामने यह आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि गृहस्थाश्रम में संसार में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। तो दुर्गाचरण नाग ये जो हैं, यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम अवस्था दुर्गाचरण नाग की अब छूट गई है और एक तरह से उच्च भाव भूमि पर वे विराजमान हो गए हैं। अब उनके अंतःकरण में स्वप्रयत्न को लेकर महत्व बुद्धि नहीं रही, शरणागति की सर्वोच्च अवस्था में वे जैसे पहुँच चुके हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति 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 ही, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।